हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स समझो। तो स्टूडेंट, हम लोग इस वीडियो में नीट 2013 में पूछे गए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, इन एन एक्सपेरिमेंट फोर क्वांटिटीज ए बी सी डी आर मेजर्ड विद परसेंटेज एरर 1%, 2%, 3% एंड 4%। यानी स्टूडेंट, हम लोग एक एक्सपेरिमेंट गिवन है और उस एक्सपेरिमेंट में चार क्वांटिटीज हैं ए बी सी डी, और उसमें जो परसेंटेज एरर है उनका वो 1%, 2%, 3% एंड 4% है, ठीक है। पूरा क्वांटिटी पी इज कैलकुलेटेड, ये हमारा क्वांटिटी पी है। अब बताना है कि परसेंटेज एरर इन पी, अगर ए बी सी डी में परसेंटेज एरर 1%, 2%, 3%, 4% है, तो हमारा जो क्वांटिटी पी है उस पी में कितने परसेंट का एरर आएगा, ठीक है। तो देखिए, पी इक्वल टू ए क्यू बी स्क्वायर अपॉन सी डी। हमें क्या फाइंड करना है, परसेंटेज एरर ऑफ पी। क्या लिखेंगे, परसेंटेज एरर ऑफ पी इक्वल टू परसेंट मॉड, है ना। अब देखिए, ए का पावर कितना है, 3, तो 3 इंटू परसेंटेज एरर ऑफ ए, क्लियर है। फिर प्लस मॉड बी का पावर कितना है, 2, तो 2 इंटू परसेंटेज एरर ऑफ बी। प्लस देखिए सी, सी का पावर कुछ नहीं तो कितना है, 1। अगर सी को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पावर -1, है ना। तो -1 इंटू परसेंटेज एरर ऑफ सी। प्लस अब डी, डी को भी ऊपर ले जाएंगे तो इसका पावर कितना होगा, -1 होगा, तो -1 इंटू परसेंटेज एरर ऑफ डी, क्लियर है। अब मॉड में लेने से फायदा क्या हुआ कि जो भी हमारा रिजल्ट आएगा वो प्लस में आएगा, है ना, और हम लोग एरर भी किस में निकालना चाहते हैं, प्लस में। देखिए, 3 इंटू परसेंटेज एरर ऑफ ए कितना है, 1, ठीक है। प्लस 2 इंटू परसेंटेज एरर ऑफ बी कितना है, 2%, इससे 1 आ जाएगा, इंटू परसेंटेज एरर ऑफ सी 3, प्लस 1 इंटू परसेंटेज एरर ऑफ 4 कितना है, डी कितना है, 4%, ठीक है। तो 3 1 3 प्लस 2 2 4 प्लस 3 1 3 प्लस 4 1 4, यानी टोटल कितना आ गया स्टूडेंट, 14%। दिस इज व्हाट परसेंटेज एरर ऑफ पी, है ना। तो देखिए, हमारा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, क्लियर स्टूडेंट।